जिंदगी में यह देखना महत्वपूर्ण नहीं कौन हमारे आगे हैं और कौन पीछे, बल्कि यह देखना कौन हमारे साथ हैं और हम किसके साथ हैं। जब हर साल खेसारी भैया का जन्मदिन आता है तो पूरी भोजपुरी ऑडियंस को बस एक ही चीज का इंतजार होता है कि आखिरकार अब की बार काजल राघवानी खेसारी भैया को किस तरह से जन्मदिन विश करेंगी। खेसारी भैया के बीच में लगभग 4 सालों से विवाद चल रहा था, लेकिन खास ये वो दिन होता था जिस दिन खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी अपनी सारी दुश्मनी को भूल जाते थे और पिछले 4 साल से ये एक दूसरे को बर्थडे विश कर रहे थे। अब की बार खैर तो इनका झगड़ा खत्म हो चुका है और अब की बार तो काजल राघवानी को इनको बर्थडे विश करना ही करना था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे जहां तक लगता है कि काजल राघवानी जी ने सबसे पहले खेसारी भैया को बर्थडे विश किया था, क्योंकि अगर आप इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखेंगे तो लगभग 15 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं जब इन्होंने खेसारी भैया को बर्थडे विश किया था। और उसके नीचे आपको ऑडियंस के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ऑडियंस इस जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करती है। वैसे दोस्तों, आपको खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी पसंद है या नहीं, हमको कमेंट जरूर कीजिए।